अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम प्रीति शर्मा है और अगर प्रोफेशनली बात करूं तो मैं एक टीचर हूं और साथ के साथ यहां पे एक वेस्टीज यूजर भी हूं। तो आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो है वेस्टीज शॉप चेन बेनिफिट्स। वैसे तो जनरली हर कोई अपना सामान जो है अपने आसपास के मेगा स्टोर हो गए या ग्रोसरी शॉप्स हो गए वहां से वो परचेज करते हैं, लेकिन अगर वो यही सामान जो कि बाहर से परचेज कर रहे हैं अगर वो वेस्टीज की शॉप से परचेज करते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो आज हम इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तो अब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबकी डेली नीड्स के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक आपके सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, यानी मॉर्निंग से गुड नाइट तक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, माउथ वॉश हो गया, एक रिफ्रेशिंग टी होगी, कॉफी, एक अच्छा आपका एक हेल्दी जो ब्रेकफास्ट होता है, कुकिंग ऑयल, शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस वॉश, हैंड वॉश, डिओड्रेंट, टेलकम पाउडर, आपका परफ्यूम हो गया, डिटर्जेंट पाउडर, डिश वॉश, डिफरेंट टाइप के जो क्लीनर है, टॉयलेट, फ्लोर, ग्लास, शेविंग क्रीम, उसके अलावा आपके फेस क्रीम है अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पे फेस क्रीम भी है, स्किन मॉइस्चराइजर भी है, नेल पेंट। उसके अलावा अगर हम बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है, आफ्टर 30+ जैसे ही लोग होते जाते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने लगती है, तो उन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं वेस्टीज के अंदर। उनमें आपका कैल्शियम, मल्टी विटामिन्स हैं, प्रोटीन पाउडर है, और डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वेस्टीज शॉप पे अवेलेबल है। तो अब लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि हम जो सामान आसपास की ग्रोसरी शॉप से या आसपास के मेगा स्टोर से जो खरीद रहे हैं वो हम वेस्टीज की शॉप से ही क्यों लें। तो यहाँ पे उनके लिए एक सीधा सा आंसर है, वो हम इस स्लाइड के जरिए जानते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि जो एक होता है हमारा ट्रेडिशनल मार्केट जो कि हम सामान खरीद ही रहे हैं जो वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, और दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है और ट्रेडिशनल बाजार, इसमें क्या डिफरेंस है? जनरली जो हम मार्केट से सामान ले रहे हैं उसकी जो सपोज करते हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको प्रोडक्ट्स को बनाने में आता है 40 रुपीज़ का कोई भी खर्चा उस पर आता है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है जैसे ही कस्टमर तक पहुंचता है तो उसका जो प्राइस है 40 रुपीज़ से होते होते वो 100 रुपीज़ तक हम तक पहुंचता है, और कस्टमर को जो है उस प्रोडक्ट के लिए 100 रुपीज़ पे करने होते हैं। तो अब आप खुद ही सोचो कि अगर जो प्रोडक्ट है वो 40 रुपी का बना है और लेकिन कस्टमर को पे करना है 100 रुपीज़, तो ऐसा क्या हो गया? अरे ठीक है, 40 रुपीज़ उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, थोड़ा बहुत आगे 50% वो हमसे चार्ज कर ले, 60% चार्ज कर ले, लेकिन वो तो डायरेक्ट 100 रुपीज़ हमसे चार्ज कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो 60 रुपीज़ है ये कहाँ जाता है, बात है ये जानने की, ये 60 रुपीज़ जो हम पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा ये कहाँ जा रहा है? तो ये जो जाता है 60 रुपीज़ ये जाता है मिडिल मैन के अंदर। मिडिल मैन में आपका आपके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन जो देते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन आप देखते होंगे टीवी पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के अलग अलग विज्ञापन टीवी पे आते हैं। तो ये जो विज्ञापन वाले हैं ये काफी सारा जो पैसा है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर वो अपना चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट हमें काफी महंगे पड़ते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स का वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो उनको यूज करते हैं। तो क्या आपने सोचा है कभी जो लक्स का साबुन जो 20-22 रुपए का जो आता है, करीना कपूर उसकी ऐड देती है, क्या वो 20-22 रुपए के साबुन से नहाती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अमिताभ बच्चन डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स की ऐड करता है, क्या वो उन्हें यूज करता होगा? बिल्कुल नहीं। ये तो बस अपने एक बेनिफिट के लिए, पैसे कमाने का एक जरिया उन्होंने बना रखा है, हालांकि वो ये चीजें यूज नहीं करते हैं, बस चार्ज अपना लेते हैं। तो बेकार के ये जो 60 रुपीज है वो हमें पे करने होते हैं। अब आप देखिए अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में हम वेस्टीज की बात कर रहे हैं, तो जो वेस्टीज कंपनी है, मान लीजिए प्रोडक्ट जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो है 40 रुपीज, ठीक है? अब 40 रुपये और वो हम तक आते आते वो हम हमें मिलती है 60 रुपीज में, यानी कि 40 रुपये का खर्चा था वो हमें सिर्फ मिला 60 रुपये में वो प्रोडक्ट। तो जहाँ हमें 40 रुपये के प्रोडक्ट पे हमें 100 रुपये पे करने पड़ रहे थे, वहीं अब हमें सिर्फ 40 रुपये की जगह सिर्फ 60 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई
मिडिल मैन नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट किन चीजों की दी जाती है जिनकी बिक्री कम होती है स्पेशली. आपने देखा होगा टीवी पे कभी ऑडी कार की एडवर्टाइजमेंट देखी है या बीएमडब्ल्यू की, तो जो कॉस्टली आपके प्रोडक्ट होते हैं उनको पब्लिक ऐसे ही खरीदती है, उनको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है. तो यहाँ पे वेस्टी जो है कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च नहीं करता, वो पैसा खर्च करता है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, अपने जो यूजर हैं उनको बेनिफिट किस तरह से हो उस चीज पे वो लोग फोकस करते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्टीज और अदर जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें कितना डिफरेंस है. सेकेंड, आपको जो वेस्टीज जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी जो है अदर जो ब्रांड है उनकी क्वालिटी से काफी यूनिक है, काफी अच्छी क्वालिटी के आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलते हैं. जनरली हमारे जो प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं मार्केट से वो आईएसओ सर्टिफाइड होते हैं, लेकिन जो वेस्टीज है उसके जो प्रोडक्ट है वो आईएसओ सर्टिफाइड तो है ही है, साथ के साथ उनको हलाल सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं और अदर भी जो सर्टिफिकेट है वो भी उनको मिले हुए हैं. अगर आप कहोगे हलाल सर्टिफिकेट, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो बेसिकली जो गल्फ कंट्रीज हैं, आपके अरेबिक कंट्रीज होगी, सऊदी अरब, यूएई, वो कंट्रीज जो है उनका हलाल सर्टिफिकेट इस वेस्टीज को मिला हुआ है. अब आप खुद कुछ लोगों ने अगर गल्फ कंट्री के प्रोडक्ट यूज किए होंगे तो वो जानते होंगे कि उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है. अगर क्वालिटी अच्छी है तो ही उनको सर्टिफिकेट मिला है, तो वेस्टीज को ये सर्टिफिकेट क्यों मिला है हलाल का, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है. तो यहाँ पे वेस्टीज को एक हलाल सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है. तो ये हो गई आपकी सेकंड थिंग. तीसरी बात है इसके प्राइस का कंपैरिजन करें. लोग कहते हैं कि अरे नहीं, हमें तो मार्केट से बहुत सस्ता मिल जाता है, यहाँ ऐसा कुछ वेस्टीज से हमें बहुत महंगा मिलेगा. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनके अंदर ये दिमाग में मिसकंसेप्शन चले हुए हैं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, वो मैं आगे के स्लाइड में आपको क्लियर करती हूँ ये चीजें. सो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, प्रोडक्ट कंपैरिजन पे. तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट प्रोडक्ट है लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर है, और वही वेस्टीज का आपका है अश्योर डेली मॉइस्चराइजर. आप देख सकते हो वो लैक्मे है 325 का, और वही जो अश्योर का मॉइस्चराइजर है वो है 248 का. तो कितना प्राइस में डिफरेंस है. साथ के साथ जो ये जो अश्योर का मॉइस्चराइजर है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर है, इसकी क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है और क्वालिटी भी बहुत बेस्ट है इसकी. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑयल की, फूड ऑयल की, इसमें है एक है ऑलिव ऑयल और दूसरा है राइस ब्रैन ऑयल. तो ऑलिव ऑयल के प्राइस की अगर हम बात करते हैं 2 लीटर में, ये है आपका 1125 में. वही राइस ब्रैन ऑयल है ये है 296. तो लगभग आप देख सकते हो कि 5 टाइम्स जो इसका प्राइस जो है उसमें डिफरेंस है एक दूसरे के में. दूसरी बात, अगर हम इनके स्मोक पॉइंट की बात करते हैं, स्मोक पॉइंट मीन्स जब आप जैसे फ्राई पैन में ऑयल डालते हो तो बहुत जल्दी से उसमें से स्मोक निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है. तो जो ऑलिव ऑयल है उसका है 160 डिग्री पे ही वो स्मोक देने लगता है, जलने लगता है, गंदी सी स्मेल उसमें से आने लगती है. और वहीं अगर आप राइस ब्रान ऑयल लेते हो तो उसका जो स्मोक पॉइंट है वो 250 डिग्री सेल्सियस पे आता है, यानी कि जब तक आप सब्जी उसमें तड़का लगाने के लिए उसको रेडी करते हो तब तक उसमें कोई स्मोक नहीं आती. उससे क्या है आपको एक आपके इनहेल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. कई बार सब्जी बनाते टाइम आपको जो नाक के अंदर स्मोक चला जाता है वो प्रॉब्लम भी आपको बिल्कुल नहीं आने वाली है. तो देखो प्राइस के साथ साथ आपका यहाँ पे हेल्थ का भी बेनिफिट आपको मिल रहा है. नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे. यहाँ पे आप देख सकते हो सेंसोडाइन, सेंसोडाइन वाइटनिंग पेस्ट है जिसका की प्राइस है 148, और वही वेस्टीज का डेंट अश्योर है जिसका प्राइस है 125. कितना मार्जिन है, क्वालिटी में भी अच्छा प्राइस में भी अच्छा. नेक्स्ट है आपका हील रिपेयर क्रीम जो कि एक जाना माना ब्रांड है क्रैक हील. उसके साथ साथ यहाँ पे वेस्टीज का है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, वो है अश्योर का फुट क्रीम. प्राइस आप देखो कहाँ 160 है और कहाँ 141 है. तो कितना सारा डिफरेंस आपका प्राइस में हो गया, और क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है. आप यूज करके देखना, आप अपने आप ही कहोगे. नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, यार्डले है और वही निविया का आपका परफ्यूम है 190 और 199, और वही वेस्टीज अश्योर रैप्चर जो डिओड्रेंट है उसका प्राइस है 163. उसके अलावा फॉग के परफ्यूम का कंपैरिजन हम करते हैं ट्रूमैन के साथ, वेस्टीज का ट्रूमैन 299 है और वो 231 है. यानी कि आपको प्राइजेस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस मिलेगा और क्वालिटी में भी.
आपको कम प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम टेलकम पाउडर की बात करते हैं तो पॉन्ड्स का है 85 और दूसरा है 99, और वहीं अशोर का है 52 और सेकेंड भी 52 उसका प्राइस है। उसके अलावा अगर हम पेन रिलीफ ऑइंटमेंट की बात करते हैं, मूव है, प्राइस है 165, और वहीं वेस्टीज का जो है वेस्ट केयर जो पेन रिलीफ क्रीम है, प्राइस है 129, जो कि बहुत जल्दी पेन रिलीफ का काम करता है। बिल्कुल आपकी स्किन पे चिपकता नहीं है, नॉन स्टिकी इसका नेचर है और जल्दी से ही आपको रिलीफ पहुंचाता है। नेक्स्ट है आपका डिटॉल का सोप जो थर्ड ग्रेड का है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिटॉल का सोप थर्ड ग्रेड और वहीं अश्योर का सोप ग्रेड 1। प्राइजेस भी आप देख सकते हो, डिटॉल है 40 और अश्योर है आपका 26। कितना डिफरेंस है, यहाँ पे आपको बिल्कुल थर्ड ग्रेड क्वालिटी की चीज मिल रही है, प्राइस हाई है, यहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रेड क्वालिटी की चीज मिल रही है और प्राइस काफी अच्छा है। उसके अलावा टी पाउडर की बात करते हैं, जाने माने ब्रांड है टाटा टी गोल्ड, रेड लेबल, ताजमहल, टेटले, और उस चारों का जो कंपैरिजन है वो आप कर सकते हो यहाँ पे जीटा स्पेशल टी। देखो प्राइस कितना बेस्ट है और एंटीऑक्सीडेंट से फुल है। तो क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर लोग जो है चाय के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन साथ के साथ उनको क्या होता है कि चाय तो चाहिए चाहिए, लेकिन उनको साथ के साथ एसिडिटी की भी बड़ी सारी प्रॉब्लम बनी रहती है। तो अब ऐसा कोई सॉल्यूशन हो जिससे कि उनकी चाय की भी जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो जाए और उनको एसिडिटी भी ना हो, गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, तो यहाँ पे अगर वो लोग जीटा स्पेशल टी अगर यूज करते हैं तो उनको डबल बेनिफिट मिलेगा, यानी कि उनकी चाय का जो मन होता है वो भी उनका पूरा हो जाएगा और दूसरा उनको कोई भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट जो स्लाइड है फर्स्ट टूथब्रश की अगर हम बात करते हैं, सिंगल टूथब्रश का जो प्राइस है वो है 89, और वहीं आपका 4 टूथब्रश का जो सेट है उसका प्राइस है 208, 208। उसके अलावा अगर हम सेंसिटिविटी कोलगेट का प्राइस की बात करें तो वो है 124, जिसके अंदर लॉन्ग वगैरह है, और वहीं अश्योर का डेंट अश्योर है, इसके अंदर भी वही प्रोडक्ट है, वही लॉन्ग है और प्राइस है 65 पास। प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम है लेकिन प्राइसेस में देखो आप कितना डिफरेंस है। जो लोग वो के अंदर ये मिसकंसेप्शन बने हुए हैं प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं महंगे हैं, वो आप खुद देख सकते हो, खुद कंपैरिजन कर सकते हो प्रोडक्ट की क्वालिटी और उनके प्राइसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं स्कीम कुछ यहाँ पे वेस्टीज के अंदर कुछ स्कीम्स लगी हुई होती है, कंसिस्टेंसी स्कीम। कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार, अगर आप लगातार परचेज करते रहते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो वेस्टीज का ही हमारा यहाँ पे है एक वेस्टीज बेस्ट डील, जिसमें एक कंसिस्टेंसी होती है 3500 की। उसमें क्या होता है कि अगर आप 3500 रुपये के प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो 6 महीने के लिए, तो आपको 7 मंथ में 3500 का जो प्रोडक्ट है वो आपको फ्री मिलता है। वहीं अगर आपका थोड़ा बजट थोड़ा लो है तो हमारे पास सेकेंड कंसिस्टेंसी स्कीम भी है, वो है 2000 रुपीज़ वाली। अगर आप 4 मंथ के 3 मंथ के लिए 2000 रुपीज़ का प्रोडक्ट आप खरीदते रहते हो 3 महीने के लिए, तो वहीं आपको 4 मंथ में 1000 रुपये के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि आप जब आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, आप अपना हर महीने का सामान लेके आते हो, तो कोई भी ऐसा ग्रोसरी शॉप वाला नहीं है कि वो 6 मंथ में या आपको 3 मंथ के बाद जितना जितने की आपने परचेजिंग करी उतने का प्रोडक्ट आपको फ्री देता है। 3500 का आप खरीदते हो तो आपको 7 मंथ में 3500 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। आप 2000 पर मंथ के हिसाब से 6 मंथ के लिए परचेजिंग करते हो तो 4th मंथ आपको 1000 रुपये के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। तो देखिए आप कितना सारा आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। मेरे हिसाब से किसी का भी कोई भी ग्रोसरी जो शॉपकीपर है वो इतना बेनिफिट आपको नहीं देता होगा। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं वेस्टीज जैसे जो आप प्रोडक्ट खरीदते हो उनके आपको एडवांटेजेस क्या क्या मिलेंगे। पहले एडवांटेजेस तो मैंने आपको बताए थे कि क्वालिटी बड़ी बेस्ट है, प्राइजेस काफी लो है। बाकी उसके अलावा आपको क्या क्या और एडवांटेजेस मिल सकते हैं। फर्स्ट है आपका रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट क्या है कि आप जो भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो
पहली चीज कि वो आपको डीपी पे मिलेगा, एमआरपी पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप वेस्टिज के यहाँ पे यूजर हो, तो आपको प्रोडक्ट एमआरपी पे ना मिलके डीपी पे मिलता है। डीपी का मतलब आपको वो जो प्रोडक्ट है 10-20% आपको उस पे मार्जिन आपको मिलता है। साथ के साथ अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हो, उसको उसके बेनिफिट्स आप लोगों को बताते हो, तो वहीं से आपकी जो इनकम है शुरू हो जाती है। सेकंड जो एडवांटेज है यहाँ इसका, वो है आपकी रिपर्चेज स्कीम। अगर आप 700 का कोई भी सामान आप खरीदते हो, तो आपको उसका 10% एमआरपी जो है उस पे आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यानी 700 का 10% कितना होगा? 70 रुपीज़। तो वहाँ पे आपको 70 रुपीज़ का आइटम फ्री मिलेगा। वहीं अगर आप 1600 का की परचेजिंग करते हो, तो वहाँ पे आपको 160 रुपीज़ का एमआरपी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री मिलते हैं। तो कोई भी जो शॉपकीपर है, मुझे नहीं लगता वो इतना सारा आपको बेनिफिट्स देता होगा। आप जब जाते होगे ना, तो लगभग जब आप 4,000-5,000 का सामान खरीदते हो, तो तब जाके कोई सोप वगैरह कोई फ्री देता है, या आपके कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी जाते हैं ना, तो सिर्फ वो वापस में वो पैसे भी वापस नहीं करता। वो कहता है बस भाई ये टॉफी ले जाओ इसकी। तो मतलब इतना वो करते हैं ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेस्टी शॉप जो है आपको कितना सारा आपको बेनिफिट आपको दे रही है। क्योंकि जो वेस्टीज है या इसका जो बिजनेस होता है वो पॉइंट वैल्यूज में होता है, पीवीज में होता है। आपका 30 रुपीज का एक पीवी बनता है, एक पॉइंट वैल्यू बनती है। लेकिन अगर हम 1000 की कोई भी प्रोडक्ट की परचेजिंग करते हैं, तो आपको 30 पीवी मिलते हैं। यानी कि 1 पीवी जो होता है वो 30 रुपीज के बराबर। वहीं अगर हम कंसिस्टेंसी स्कीम की बात करते हैं, लगातार अगर हम प्रोडक्ट्स यूज करते जा रहे हैं, परचेजिंग करते जा रहे हैं, तो अगर हम मान लो 300, 3000 to 300, 3000 to 100 की परचेजिंग लगातार 4th month तक करते हैं, यानी 100 पीवी का हम परचेजिंग करते हैं लगातार 4 महीने, तो जो चौथा महीना है उसमें आपको क्या मिलेगा? आपको 2500 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं, जिनकी जो पॉइंट वैल्यू होती है वो 80 होती है। 4th month में आपको 2500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलना, देखो कितनी बड़ी बात है। 2500 रुपए आपको मिल रहे हैं एक तरह से। तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मान लो आपने 3000 का सामान खरीदा, हर महीने 4 month तक आपने खरीदा, तो आपका हो गया जो एक्सपेंस हो गया वो हो गया आपका 12,000 वहीं पे। क्योंकि 4th month तक आपने कंसिस्टेंसी स्कीम ले रखी है, रेगुलर आप खरीद रहे हो 3000 के अकॉर्डिंग, तो आपको 4th month पे आपको 2500 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अगर आप सेविंग की बात करो, क्योंकि 2500 आपको ऐसे ही मिल रहे हैं, तो आपको 20% सेविंग यहाँ पे आपको हो जाती है। उसके अलावा अगर आप 100 पीवी वाली कोई स्कीम लेते हो, यानी कि हर महीने आप 3000 3600 का अगर आप सामान खरीदते हो, तो उसमें क्या है, एमआरपी होगा उन टोटल प्रोडक्ट्स का मिला के 3600, लेकिन आपको जो पेमेंट करनी होगी वो करनी होगी सिर्फ 3000 की। इसका मतलब 4th month तक आपको कितना पे करना होगा? 12,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे सेविंग की बात करते हैं। सेविंग क्या हुआ? क्योंकि एमआरपी प्रोडक्ट्स का था 3600, आपने कितने पे किए? सिर्फ 3000। तो आपको यहाँ पे कितना ऑफ मिला एमआरपी पे? वो मिला आपको 600, ठीक है। उसके अलावा हर 100 पीवी की शॉपिंग पे आपको 300 के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री भी मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी सेविंग होगी 300 की, फ्री प्रोडक्ट्स की। उसके अलावा आपको 198 का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। वो कब? जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो, 11%। यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं, तो जब आप 11% के लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आपको 198 रुपीज का परफॉर्मेंस बोनस भी आपको मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, टोटल जो आपकी सेविंग हो गई वो कितनी हो गई? 1098 रुपीज आपकी टोटल सेविंग हो गई केवल 1 month की, ठीक है। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी स्कीम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो 4 month में टोटल सेविंग कितनी होगी? 4,392 रुपीज की, ठीक है। साथ के साथ उसमें, क्योंकि 4th month पे आपको 2500 के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं, तो आपकी जो टोटल सेविंग है वो कितनी होगी? 6,892 रुपीज। यानी टोटल सेविंग आपकी होगी 6,892, और आपने खर्च किए थे 4 महीने तक 12,000 रुपीज। यानी यहाँ पे अगर हम सेविंग की बात करें, तो 57% आपकी सेविंग हो चुकी है मेरे। तो
तो इतनी सेविंग मुझे नहीं लगता आपका कोई भी लाला है, आपका कोई भी ग्रोसरी शॉपकीपर है, कोई देता होगा इतनी सेविंग जो है, जो यहाँ पे आपको वेस्टिज के प्रोडक्ट्स की परचेजिंग पे आपको मिल रही है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे वेस्टिज के बेस्ट डील कंसिस्टेंसी स्कीम की, तो एक जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया वो तो था सिर्फ वेस्टिज के लिए, और यहाँ पे है आपका वेस्टिज का बेस्ट डील। तो अगर हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कीम लेते हैं, तो अगर आपने प्रोडक्ट्स आपके थे 4,000 के, आपको बिल पे करना पड़ा केवल 3,500 का, ठीक है, आपने ये कंसिस्टेंसी 6 महीने तक चालू रखी, तो आपकी जो टोटल एक्सपेंसेस थे वो हो गए आपके 21,000 रुपये। अब यहाँ पे बात करते हैं सेविंग कितनी हुई यहाँ पे। तो पहला है क्योंकि MRP 4,000 था, आपने पे किए सिर्फ 3,500, तो आपको 500 का ऑफ आपको मिला MRP पे। उसके अलावा आपको 199 के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आपकी टोटल जो सेविंग यहाँ पे अभी हुई सिर्फ वो हो गई 699 की, ठीक है। 6 महीने तक आप इसको कंटिन्यू रखते हो तो आपकी टोटल सेविंग होगी यहाँ पे 4,194 की, प्लस क्योंकि आप कंसिस्टेंसी स्कीम में हो तो आपको 6 मंथ पे आपको क्या होगा 3,500 के प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं, तो यहाँ पे आपकी टोटल सेविंग होगी 7,694, ठीक है। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज में बात करते हैं तो आपकी जो नेट सेविंग होगी वो होगी 37%, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की। जनरली क्या होता है कि सबके घर में 3,000 3,500 ये इतना तो जनरली आपका खर्च हो ही जाता है, ठीक है। पर्सनल केयर आप ले लो, कॉस्मेटिक डेली यूज का जो भी प्रोडक्ट है, तो इतना तो आप एक्सपेंसेस आपके हो ही जाते हैं हर महीने के हिसाब से। तो मान लेते हैं कि हर महीने 3,500 के हिसाब से आपने एक साल तक 42,000 अपने खर्च किए इनकी परचेजिंग पे, और इसको अगर आप इसी तरह से परचेजिंग करते रहे 40 साल पे, तो आपको 40 साल का जो खर्चा होगा आपका वो होगा आपका 16,80,000 रुपीज, ठीक है। तो अब 40 साल में आपने ग्रोसरी शॉप से इतना तो खरीद लिया, लेकिन आपको रिटर्न में क्या मिला? अब ये सोचने वाली बात है कि भाई हमारा हम इतने सालों से इतने अच्छे लॉयल कस्टमर बने हुए थे उस ग्रोसरी शॉप वाले के, हम अच्छे से सामान खरीद रहे हैं, खूब महंगा महंगा 3,500 रेगुलर हम खरीद रहे हैं, लेकिन बदले में उससे हमें क्या मिल रहा है? कोई एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्टीज से ही अगर हम ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो वेस्टीज बेसिकली है ही क्या कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको अपनी इनकम में कन्वर्ट करने का एक रास्ता ये हमें दिखाता है। इसका मेन एम ही यही है कि अपने एक्सपेंसेस को अपनी इनकम में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें अगर हम वेस्टी से ही प्रोडक्ट परचेज करते हैं, मान लो 40 साल तक हम वेस्टी से ही प्रोडक्ट लेते रहे, तो 40 वो हो गए हमारे 16,80,000 रुपए के हमने प्रोडक्ट्स ले लिए, ठीक है। अब क्योंकि हम वेस्टीज से खरीद रहे हैं तो वेस्टीज क्या करता है, रिटेल प्रॉफिट हमें देता है, हमें हमारी परचेजिंग का 10-20% हमें ऑफ देता है। तो इसका 10-20% ऑफ कितना हो गया, 1,68,000 रुपीज। उसके अलावा रीपर्चेज स्कीम भी होती है जो कि हमें फ्री भी हमें मिलता है, तो वो कितना हो गया 1,68,000, ये भी 10-20% हमारा होता है, ठीक है। अब फ्री प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो हो गया हमारा 3,36,000 रुपीज का, क्योंकि हम 40 ईयर्स का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे फ्री प्रोडक्ट्स जो है 3,36,000 रुपीज का, ठीक है। क्योंकि हर महीने हमें 2,500 के रुपीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री मिलते हैं, तो इस तरह से 40 साल के अंदर हमें 3,36,000 के प्रोडक्ट्स जो है फ्री मिल जाते हैं। अब आपका अगर लेवल 11% का है तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है, वो होगा आपका 84,000 रुपीज का। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो टोटल जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो मिलेगा 7,56,000 रुपीज का। वहीं हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा, हमने खर्च किए 16,80,000 और हमें क्या मिला था, नथिंग, जीरो।
लेकिन वहीं अगर हमने ये प्रोडक्ट्स वेस्टी शॉप से परचेज किए तो हमें बेनिफिट कितना मिला, 7,56,000 का। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है ग्रोसरी शॉप से खरीदने में और वेस्टीज की शॉप से खरीदने में। ठीक है, अब क्या होता है, हम जैसा भी अपना सामान खरीद रहे हैं इसी को ही हम एक अपना बिजनेस भी बना सकते हैं। उसमें आप लाखों रुपए महीने की इनकम भी आप कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लान होता है। वो क्या होता है, मान लीजिए आपने फर्स्ट मंथ आपने अपनी ज्वाइनिंग आपकी ज्वाइनिंग हुई वेस्टीज के अंदर, आपने किसी दूसरे जन की भी ज्वाइनिंग करा दी, तो टोटल आप 2 लोग हो गए। अब यहाँ से असली आपका बिजनेस स्टार्ट होता है वेस्टीज के अंदर। ये ध्यान से समझने वाली स्लाइड है। तो फर्स्ट मंथ में आप 2 लोग हो गए, आप खुद ज्वाइन हुए और आपने दूसरे को ज्वाइन कराया। सेकेंड मंथ में क्या था, आप उन दोनों जनों ने मिलके, आपने और आपके फ्रेंड ने मिलके और 2 जनों को इसमें ज्वाइन कराया, तो आप टोटल 4 लोग हो गए। उन चारों ने मिलके आगे और 4 लोगों को ऐड कराया, तो टोटल 8 आप मेंबर हो गए। तो इस तरह से जब आप 12 महीने जैसे ही बीतेंगे तो आपकी जो टोटल जो आपके एक ग्रुप बनेगा वो बन जाएगा 4,096 मेंबर्स जो है वो आपके ग्रुप के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये 4,096 जो मेंबर्स हैं अगर वो हर महीने 3,000 की परचेजिंग करते हैं तो टोटल वो कितना टर्नओवर उनका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1,22,88,000 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पर जो कि एक सरप्राइजिंग सी लगती है वो आपकी जो इनकम है वो हो जाएगी 7,00,000 रुपीज, जो कि मतलब ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो जाएगी। बहुत से लोग सपने देखते ही नहीं है कि हाँ 7 लाख हो जाएगी, और जब देखते हैं तो उनका ड्रीम यहाँ पे बिल्कुल ट्रू होने वाला है। 7 लाख प्लस की आपकी इनकम होगी। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्ट होते हैं। वो कहते हैं अरे नहीं, मैं 12 महीने का क्यों वेट करता हूँ, मेरे को तो भाई जल्दी चाहिए इनकम। तो उसके लिए भी यहाँ पे वेस्टीज के अंदर प्लान होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट मंथ आप 6 लोगों को ज्वाइन करा लेते हो, आप खुद ज्वाइन होते हो और प्लस आप 6 लोगों को और ज्वाइन करा लेते हो, तो टोटल आप 7 पर्सन हो गए। उसके अलावा सेकेंड मंथ में वो 6 जो लोग हैं वो फिर 6 लोगों को ज्वाइन कराते हो, तो टोटल आप हो गए 43। तो फोर्थ मंथ तक ऐसे करते करते आप टोटल जो मेंबर बन जाते हैं वो हो जाते हैं 1,555 जो टोटल मेंबर है। ठीक है, अब जो यहाँ पे आपकी जो इनकम होने वाली है फोर्थ मंथ के बाद, वो आपकी जो इनकम होने वाली है वो होने वाली है 5 लाख रुपीज। कैन यू इमेजिन, 5 लाख रुपीज लोगों की जिंदगी निकल जाती है महीने की इनकम 5 लाख रुपीज लेने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेस्टीज आपको वो पावर देता है, आपके ड्रीम्स को आपको रियलिटी में कन्वर्ट करने का मौका देता है, जहाँ पे आप 5 लाख रुपए महीने की इनकम पा सकते हो। बस आपको उसके लिए डेडिकेटेड होना है, आपको हार्डवर्क करना है अच्छे से, और बिल्कुल एक सिंपल प्लान होता है। कोई इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल आपको परचेसिंग करनी है, आपको बताना है लोगों को, सिर्फ बस आपको इतना करना है। और इतना करने पे ही देखो आपके खर्चे आपकी इनकम में कन्वर्ट होते जाते हैं, और किस तरह से आपकी जो इनकम है वो लाख के अंदर पहुंच जाती है। और लाख क्या, ये तो करोड़ों के अंदर जा रही है, जो कि सिद्धार्थ सर है हमारे एशिया के सबसे ज्यादा अर्न करने वाले पर्सन जो बने हैं, उनकी शायद मंथली इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, तो ये है वेस्टीज की पावर। यहाँ पे खर्चों को आप इनकम में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमें ये रास्ता ये हमें वेस्टीज दिखाता है। अब लोग सोचते हैं कि अरे मैं वेस्टीज में ज्वाइन करूंगा तो पता नहीं है मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या क्या देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आप अगर आप वेस्टीज को ज्वाइन करते हो तो वहां पे ज्वाइनिंग करने की कोई फीस नहीं होती, जीरो। लेकिन वहीं अगर आप कहीं पे किसी कोई बिजनेस नया स्टार्ट करोगे तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ वेस्टीज के अंदर आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, कोई ज्वाइनिंग फीस आपको नहीं होती है। सिर्फ आपको अपनी आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आपको अपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी आपको देनी होती है। उसके अलावा आपको अपने बैंक के पासबुक या कैंसिल चेक जो है उसकी आपको फोटोकॉपी। तो एक सिंपल सा वर्क है, कोई इसमें कुछ नहीं करना, आपने परचेजिंग करनी है, चीजों को यूज करना है, उनका बेनिफिट आपको लेना है। तो यही वेस्टीज का है। तो वेस्टीज कहता है आपकी ही सफलता में हमारी सफलता है। थैंक यू ऑल।
चलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया वेस्टीज के साथ, विश यू वेल, थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा जी, जी बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग की है। सब मैं चाहूंगा सभी लोग इस ढोलता ताजा बजाएं पीटी जी के लिए। जी बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग गई।